नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। डॉक्टर कीर्ति इज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी इन तीनों विषयों के 12वीं तक के सभी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और सभी बोर्ड्स के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा तीसरी मराठी सुलभ भारती महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश मीडियम, इसका 14वां अध्याय जो कि कविता है पाउस पानी। पाउस यानी कि बारिश और पानी यानी बारिश का पानी। तो अभी बारिश के दिन है, बहुत बारिश हो रही है ना, और ये कविता भी बारिश के ऊपर ही दी हुई है। तो सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो शब्दार्थ ऐसे हैं, थेम यानि बूंद या ड्रॉप, तळे यानि ताल या पोंड, साचले यानि इकट्ठा होना, इसको इग्नोर कीजिएगा है ना, इकट्ठा करना। उसके बाद में आपको दिया है पाउस यानि कि बारिश, उसके बाद पाउसाने यानि बारिश से, वारा यानि हवा या फिर विंड। अब आगे देखते हैं धरण, धरण यानि बांध जिसको इंग्लिश में हम डैम बोलते हैं। शेतात भरले यानी खेतों में भर गया, धान्य, धान्य को अनाज कहा जाता है और इंग्लिश में इसी को ग्रेन कहा जाता है। कणिस, कणिस यानी बालियां, कॉर्नियर जिसको कहा जाता है, जैसे कॉर्न यानी भुट्टे, मक्का, जो मक्का जिस पर लगता है ना, वो जो एक एक ऐसी आँख जैसी बनी होती है और उसमें से वो जो मक्के का दाना है वो बाहर निकला हुआ रहता है, तो वैसे ही चाहे बाजरी हो, चाहे ज्वार हो, चाहे गेहूं हो, चाहे राइस हो, चावल हो, कोई भी जो अनाज भुट्टे के जैसे आकार में उगता है और उसके अंदर ऐसे दाने के जैसा बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है, उसी को हम कणिस कहते हैं। हिंदी में हम उसको बाली कहते हैं और इंग्लिश में हम चाहे कोई सा भी अनाज हो उसको हम कॉर्नियर या कॉर्नाए ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। डुले, डुले यानी लहराना, टू वेव, हिलना है ना, हिलना, डुलना, लहराना। हिरवी यानी हरा या ग्रीन, डुले यानी डोलना, टू वेव। सर्वाना यानी सबको, और शेतकरी यानी किसान या फार्मर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कविता, कविता में बच्चों आप क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको एक पोंड दिखाई दे रहा है। क्या है ये पोंड, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, तड़े, और हिंदी में इसको बोलते हैं तालाब। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है धरण, धरण को हम क्या बोलते हैं, धरण को बोला जाता है डैम, ठीक है। तो ये है डैम। फिर उसके बाद में क्या है, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे किसान है और किसान क्या कर रहा है, एकदम हाथ फैलाकर खुशी का इजहार कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश है। तो अब ये क्यों खुश है, क्योंकि बारिश का पानी आ गया है ना, तो बारिश के पानी से इसने खेतों में जितनी भी फसल लगाई थी, जो बीज बोए थे, उसके बहुत अच्छे पौधे फसल निकल आई है ना, इसलिए बहुत खुश है। अगर ये बारिश नहीं होती तो फिर इसकी बीजें जो है फालतू चली जाती, बेकार हो जाती, उसके जो है पौधे नहीं उगते, फसल तैयार नहीं होती, और फिर हमें खाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं मिलता। तो किसान बहुत खुश है कि उसने जो बीज बोए हैं उनको अंकुरित होने के लिए, उनमें से जो है अंकुर निकलने के लिए, उसके पौधे के रूप लेने के लिए बारिश की ज़रूरत थी, और बारिश हो गई है, पाउस आ गया है। फिर देखिए बारिश होने के बाद में इस तरीके से जो खेत में जो फसल उगी है ना, ये पूरी तरीके से तैयार हो गई है, और इसके ऊपर आपको ये देखिए, ये मक्के जैसे दिख रहे हैं ना, ये ऊपर ऊपर ये ब्राउन ब्राउन कलर के, इनको कणिस कहा जाता है, ठीक है। ये चाहे देखिए आप मक्के का दाना देखेंगे ना, मक्का देखेंगे यानी भुट्टा देखेंगे, कॉर्न हम जिसको बोलते हैं, स्वीट कॉर्न और कॉर्न होता है, तो उसके दाने कैसे लगे हुए रहते हैं, पूरे बिल्कुल एकदम एक लाइन से लगे रहते हैं, वैसे ही देखो बाजरी के भी दाने वैसे ही लाइन से लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से ज्वार के दाने, उसी प्रकार से चावल और गेहूं, चावल और गेहूं की बालियां थोड़ी अलग तरह से, परंतु वो छोटी होती है, पर होती ऐसी है, तो सभी के ऊपर ऐसे कणिस लगते हैं ना, जो भी हम धान्य खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो इसी रूप में पैदा होता है। तो बच्चों अब आपको समझ में आया ना कि कैसा पानी का क्या महत्व है। अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। टप टप थेम्बानी तड़े साचले,
साचले ने इकट्ठा हो गया पानी, तो टप टप थेम्बा निथेम्बे ने ड्रॉप्स, जो बारिश का टप टप ड्रॉप ड्रॉप में पानी गिरता है ना, हम बारिश के पानी को देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है, जैसे एक 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 बूंद जो है आ रही है नीचे, है ना, धार दिखाई देती है बूंदों की। तो वो बूंदों से ऐसे पूरे तालाब भी बच्चों भर जाते हैं, समझ में आया। ऐसे छोटे छोटे तड़े देखो, कहीं सड़क पे गड्ढे होते हैं या कहीं सड़क के किनारे या किसी भी जगह पे जहाँ पे भी खड्डे होंगे ना, वहाँ ऐसा पानी भर जाता है। तो हम बोलते हैं टप टप थेम्बा नितळे साचले। और फिर बारिश में आप जब जाते हो सड़क पे, तो ऐसे जहाँ पे पानी इकट्ठा दिखता है वहाँ पे आप जो है पैर उसमें डुबा के थप थप नाचते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं तल। धो धो पावसाने धरण भर ले। अब जब धो धो पाउस आया, धो धो बारिश हुई, यानी जब टप टप पानी गिरता है तो पानी की रफ्तार कम होती है, लेकिन जब धो धो बारिश होती है तो बारिश जो का जो पानी गिरता है उस पानी की रफ्तार बड़ी तेज होती है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी बहुत तेज जब बारिश होती है तो उसको बोला जाता है धो धो पाउस, ठीक है। तो धो धो पाउसा ने धरण भर ले, धरण यानी डैम। अब ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डैम दिखाई दे रहा है। ये धो धो पाउसा ने भर ले ला है, यानी जब तेज बारिश हुई तो उससे ये डैम जो है पूरी तरीके से जो है भर गया। अब देखो यहाँ ये डैम काहे पे बनाया हुआ है, नदी पे बनाया हुआ है, हमेशा नदी पर डैम बनते हैं, है ना। और इन डैम को जो है यहाँ पे गेट लगे होते हैं, इनको बंद रखा जाता है ताकि इधर का पानी जो है ना वो फालतू बह ना जाए। वो पानी क्यों इकट्ठा करते हैं, ताकि हम लोग को आगे आने वाले पूरे साल तक पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और हमारी ज़रूरत के जितने भी काम होते हैं उसके लिए हमें पानी मिल सके, इसलिए यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि बारिश का पानी क्या होता है, नदियों में आता है और बहकर जाकर समुद्र में मिल जाता है, तो फिर वो पानी वेस्ट हो जाता है, नमकीन पानी को हम यूज़ नहीं करते, इसलिए इस तरह से नदी पर ऐसे डैम बनाए जाते हैं और फिर उस पानी को वहीं पर रोक लिया जाता है। जैसे हम मटकों में भर के रख लेते हैं ना पानी, और टंकियों में भर के रख लेते हैं बड़ी बड़ी, वैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, नदियों में ऐसे पानी भर के रख लेती है, उसमें इतना बड़ा पॉट जैसा बना के, डैम बना के उसमें पानी भर के रख लेती है, फिर ज़रूरत के हिसाब से हमको साल भर वो पानी मिलता है। तो धो धो पावसाने धरण भर ले, जब बारिश बहुत तेज हो गई तो ये जो डैम बना हुआ है ये पानी से फुल हो गया। आप देखो यहाँ ये नदी का पानी पूरा फुल हो गया ना ये डैम, तो और उसके बाद में ये देखो इधर ये जो पानी आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये पानी छोड़ा जा रहा है, यानी नदी ओवरफ्लो हो गई है, डैम में जितना पानी ज़रूरी है उतना हो गया है, उसके बाद भी बारिश हो रही है तो ये पानी यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है ना। और ये पानी क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सेस वाटर है, और इस एक्सेस वाटर का क्या यूज़ होता है, ये पानी बह के कहाँ जाता है, खेतों में चला जाता है ना। और खेतों में किसान लोग अपने अपने खेतों में जो है नालियाँ बना लेते हैं और वो पानी उनके जो फसलें होती हैं उसमें लग जाता है, तो फसलें खूब अच्छी हो जाती है, जो क्रॉप्स होती है वो। तो बच्चों यहाँ पे देखो टप टप थेम्बा नितळे साचले, जो थोड़ा धीमा पानी आता है उससे क्या हो जाता है, सड़कों पर, सड़कों के किनारे पर, या फिर जहाँ भी गड्ढे हो वहाँ पर, या छोटे छोटे जो तालाब बने हुए होते हैं गाँवों में शहरों में, वो भर जाते हैं टप टप पानी से। लेकिन धो धो पावसाने धरण भर ले, लेकिन जब धो धो पाउस खूब तेज बारिश होती है तो उससे बड़े बड़े डैम भी भर जाते हैं, है ना। मुलांनो, टप टप थेंब जेव्हा येतात पावसाचे त्याने तळे साचतात, पण जेव्हा धो धो पाऊस येतो खूप जोरात पाऊस येतो त्याने संपूर्ण धरण भरून जाते, आणि डॅम ज्याला आपण म्हणतो तर ते सगळं भरून जातं। धरणाचे पाणी शेतात खेळे। जब डैम का पानी ज़्यादा हो जाता है और उसको छोड़ा जाता है, जैसा हमने यहाँ पे अभी देखा ये पानी यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, तो ये पानी बहकर खेत में आ जाता है। तो धरणाचे पाणी शेतात खेळे, यानी डैम से छोड़ा हुआ पानी खेतों में आ जाता है और खेतों में फसलों में वो पानी लगता है। धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डुले, और जब ये जो डैम का पानी है ना ये बहते हुए देखो यहाँ खेतों में आ गया, फिर ये खेत में ये जो धान्य के ये कणीस लग गए, ये हवा चलने लगी तो खूब तेज, देखो इधर 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 ऐसे ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ये डोल रहे हैं ऐसे 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 हवा से डोल रहे हैं। धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डुले, और अनाज से भरा हुआ जो कणीस है
जो भुट्टे जैसा आकार जो आपको दिख रहा है वो है, वो पूरा हवा से इधर उधर लहरा रहा है, डोल रहा है। तो धरण का पानी जो है खेतों में आता है और खेत में आने के बाद उसकी फसल जो है किसान ने लगाई हुई वो बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर हवा चलती है तेज तो उस हवा में वो अच्छी तैयार हो गई हुई फसल लहराती है। हिरवी हिरवी धरती आनंदा ने डोले, और जब बारिश आती है तो हमारी धरती हरी हरी हो जाती है, जो पहाड़ होते हैं वो भी हरे हरे हो जाते हैं, सब दूर धरती पर घास घास ही घास दिखाई देती है, और ऐसा लगता है जैसे हरी मखमल की चादर बिछ गई हो, है ना, पूरी धरती के ऊपर, या फिर धरती ने जैसे हरे हरे रंग के कपड़े पहन लिए हो, वस्त्र पहन लिए हो, और फिर रंग बिरंगे फूल उसके माथे पर बिंदी के समान हमको दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है धरती कितनी सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर वही बोले कि हिरवी हिरवी धरती आनंदा ने डोले, धरती हरी भरी हो जाती है बारिश के कारण, बारिश के पानी से, और उसके बाद में वो खुशी का प्रदर्शन करती है, यानी हम जहाँ देखेंगे वहाँ हरियाली, तो हमें ऐसा लगता है जैसे धरती भी बहुत खुश है। ठीक है, पावसाने दिले सर्वान्ना पानी, अब बारिश जो है वो सबको पानी देता है। अब देखिए हमें भी पानी की ज़रूरत होती है, इस धरती पर जितने जो सजीव प्राणी हैं उनको सबको पानी की ज़रूरत होती है, जैसे पंछी हो गए, जानवर हो गए, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो जो है और कोई जानवर हो, लेकिन उनको सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा ना बच्चों, गर्मी के दिनों में जब बारिश नहीं होती है, खूब धूप भयंकर तपती है, भयानक गर्मी होती है, ऐसे दिनों में कहा जाता है कि अपने घर के बाहर या छत पर कहीं पर भी पॉट में पानी भरकर और थोड़ा सा दाना आप जो है अपने अपने घर के बाहर रखिए, ताकि जो पंछी होते ना, कौवा है, चिड़िया है, कबूतर है, इनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए गर्मियों में, क्योंकि तालाब सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती है, तो इन पंछियों को पीने के लिए हमें पानी रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब बारिश आती है ना, तो बारिश क्या करती है, सबको पानी दे देती है। पावसाने दिले सर्वान्ना पानी, इस बारिश ने सबको पानी दे दिया, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हमारे जैसे हम तुम हो, है ना, सबको मिल गया। आणि शेतकरी गातो पावसाची गाणी, अब आपको यहाँ पे देखो ये शेतकरी दिख रहा है कि नहीं, ये कितना आनंद से गाना गा रहा है दोनों हाथ फैला कर, और किस तरह के गाने गा रहा है, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पावसाला मोटा, इस तरीके से जो है जैसे ही बारिश होती है ना, सबसे ज़्यादा खुश जो है हमारे यहाँ के किसान होते हैं, शेतकरी यानी किसान, वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने खेतों में बीज बो के रखे, वो बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कब बारिश हो और कब कब हमने बोए हुए बीज जो है वो अंकुरित हो जाए और हमारी फसल अच्छी लहलहाने लगे। तो बस जैसे ही बारिश आती है वैसे किसान जो है बहुत खुश हो जाते हैं। आपको दिख रहे ना यहाँ पे किसान कितना खुश है, भर गई है, धरण भर गए हैं, तड़े यानी कि जो पोंड है वो भर गए हैं, फसल लहला रही है, किसान खुश है, पंछी खुश है, सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये पाउस पानी कविता आपको समझ में आई ना, अभी आगे देखते हैं हम इसके जो प्रश्नोत्तर है वो देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर है, धरण कशामुळे भरले, यानी जो डैम है वो किस कारण से भर गया, तो धरण पावसामुळे भरले, धरण बारिश के कारण भर गया। धान्याचे कणीस कशावर डुलते, यानी जो अनाज के जो कणीस होते हैं वो किस पर डुल रहे हैं, तो धान्याचे कणीस वाऱ्यावर डुलते, धान्य के कणीस हवा पर डोलते हैं। अब डोलते या डुलते दोनों में से कुछ भी लिखोगे सेम है, ठीक है। वाऱ्यावर काय डुलते, यानी हवा पर क्या डुलता है, क्या लहराता है, तो वाऱ्यावर धान्याचे कणीस डुलते, हवा पर धान्य के अनाज के कणीस डोलते हैं, लहराते हैं। अगला प्रश्न है, शेतकरी कोणाची गाणी गातो, यानी किसान किसके गाने गाता है, तो शेतकरी पावसाची गाणी गातो, किसान बारिश के गाने गाता है। धरणाचे पाणी कुठे खेळते, जो डॅम बनाए हैं उसमें जो पाणी भरा हुआ है वो कहाँ जाके खेळता है, तर धरणाचे पाणी शेतात खेळते, धरण का पाणी खेतों में जाके खेळता है। खेतों में खेळता कैसे, जैसे किसान का बहुत बड़ा खेत होता है ना, तो वो ऐसे लाइन से नालियाँ बना देता है, और ये जो धरण का पानी उधर आता है तो फिर उन नालियों में से बह के एक जगह से दूसरी जगह खूब दूर दूर तक जाके खेलता रहता है, बहता रहता है। बहना मतलब खेलना हो गया पानी का, ठीक है। हिरवी धरती कशाने डोलते किंवा कशी डोलते,
तो हिरवी धरती आनंदाने डोलते, है ना। हरी धरती कैसे डोलती है, हरी धरती आनंद से डोलती है। आगे का प्रश्न देखते, शेतकरी कशाची गाणी गातो, तो शेतकरी पावसाची गाणी गातो, किंवा यानी किसान किसके गाने गाता है, किसान बारिश के गाने गाता है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पावसाची गाणी कोण गातो, यानी बारिश के गाने कौन गाता है, तो पावसाची गाणी शेतकरी गातो, यानी कि बारिश के गाने किसान गाता है। तळी कशाने साचले, मतलब तळे, यहाँ पे तळी की जगह क्या होना चाहिए, तळे होना चाहिए। अब देखो यहाँ ये तळे लिखा है ना, ये सही लिखा है नीचे ब्लू कलर का। अब यहाँ पे इस तळे को भी आप ऐसा ही लिख लेना। तो तळे कशाने साचले, यानी जो तळे है वो किससे भर गए, तो तळे थेंबानी, टप टप थेंबानी तळे साचले, जो टप टप बूंदे गिरी उससे सब तळे जो है वो, पोंड जो है वो भर गए। अब देखो पहा एका म्हणा, यानी देखो सुनो और बोलो। अब ये देखो नंबर वन आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, तळे, ठीक है। यहाँ पे नंबर टू ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, डैम, उसको क्या बोलते हैं, धरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, बांध, ठीक है। ये देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कणिस, इसको क्या बोलते हैं, कणिस, बालियां, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नियर, ठीक है। ये क्या है देखो यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है सुंदर सा खेत। मैंने आपको बताया था ना ऐसी पूरी लाइनों में, देखो ये लाइन से लगे हुए कि नहीं, ये पौधे एक एक लाइन बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों में, अब इन्हीं के बीच में इन्हीं लाइनों में से पानी बहता है, तो पानी जो है धरण का इन खेतों में ऐसा लाइन से ऐसे 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 खेलता रहता है, ठीक है। तो धरणाचे पाणी शेतात खेळे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा शेत, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा शेतकरी यानी कि किसान, ठीक है, फार्मर। और इसके हाथ में ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये है हल, जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, इसको नांगर, और हम इसको प्लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये देखो बच्चों ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये बादल है ना काले काले भरे हुए, इसमें से बारिश का पानी टप 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 टप, ये देखो बूंदे है ना, इसको हम टप टप बोलते हैं, ये बूंदे गिर रही है बारिश की, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तो ये क्या है, तळे, नंबर वन हो गया हमारा तळे, नंबर टू हो गया हमारा धरण, नंबर थ्री हो गया हमारा कणिस, नंबर फोर हो गया शेत, ये हो गया शेतकरी, और ये हो गया पाऊस। अब यहाँ आते हैं बच्चों, शब्द एका, सारखी अक्षरे ओळखा आणि वाचा, यानी शब्द सुनो, एक जैसे जो अक्षर है उनको पहचानो और वाचा यानी पढ़ो। अब यहाँ लिखा है हमको शेत, ये देखो ये यहाँ लिखा है शेत और ये लिखा है शेतकरी। अब इनमें कॉमन क्या है बच्चों, तो देखो ये श कॉमन है ना, तो यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया शे, यानी शे कॉमन है। फिर पानी और गाणी, इसमें आपने देखा बच्चों कि ये जो न है ना, ये यहाँ का न और यहाँ का न, ये कॉमन है इसलिए नीचे लिख दिया है न। फिर उसके बाद में बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है पाउस और पानी, तो यहाँ पे देखो पाउस और पानी में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये प और ये पा और ये पा, तो यहाँ पे हमने पा लिख दिया। फिर देखो बच्चों यहाँ पे जो है ध, ध में आपको क्या दिखता है बेटा, ये धरती और ये धरण, तो यहाँ पे ध कॉमन है इसलिए नीचे हमने ध लिख दिया। तो जो कॉमन है ना, एक जैसे अक्षर ऊपर नीचे सेम सेम लिखे हुए, वो हमको ढूंढना है ना, उसके नीचे अंडरलाइन लगाना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा एका मणा, शे शला काय ही एक मात्रा शे, यानी श में एक ही मात्रा शे, न नला कुठली मात्रा है, नौ को बड़ी की मात्रा नी है ना, प पला काना पा, प में आ की मात्रा पा, और दूसरा दिया है हमको नेक्स्ट ध, तो ये हो गया हमारा श नी पा और ये हो गया ध, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया है कि वरील अक्षरांपासून, अक्षरांनी सुरुवात किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहीत असणारे शब्द सांगा, यानी जो ऊपर दिया ना शेणी पा ध, इनसे हमको शुरू होने वाले अक्षर या अंत होने वाले, शेवट यानी ख़त्म होने वाले अक्षर ऐसे हमको मालूम है क्या, वो बताओ, तो हम अगले स्लाइड में उसको देखेंगे। पहले नीचे देख लेते हैं, जोड़ा जुड़वा यानी मैच द कॉलम, तळे, तळे किस, तळे यानी क्या, अब देखो हम नीचे ढूंढेंगे, शेत है ना,
तो शेद से शेद को मिला दिया आपने, है ना। इसी तरह से ये जो तड़े यहाँ पे दिया है, इस तड़े को इस तड़े से मिला देना है, ठीक है। ये कणिस यहाँ दिया है, इसको इस कणिस से मिला देना है, क्योंकि एक जैसे अक्षरों को हमको जोड़ाना है। धरण जो है, धरण से धरण को जोड़ देंगे, ठीक है। शेत से शेत को जोड़ दिया, शेतकरी से हमने शेतकरी को जोड़ दिया, गाणी से हमने गाणी को जोड़ दिया, और इस पानी से हम इस पानी को जोड़ देंगे। तो ऐसे जैसे ये यहाँ पे आपको ये एरो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही एरो आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो जो हमको अक्षर दिए थे ना, जैसे शे और नी और पा और ये ध, इनसे हमको शुरू होने वाले या फिर खत्म होने वाले ऐसे अक्षर शब्द बनाना है। तो शे से शेत और शेत करी, पा से ये जो नी है ना, इससे अंत में आ जाएगा ये नी और ये नी, तो पानी और गाणी। पाउस से देखो, पाउस पासे और पासे पानी। ये ध से धरण, धरती, धान्य, ऐसे हमने बना लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहा एका समझून घया आणि वाचा, यानी देखो सुनो समझ लो और फिर पढ़ो रीड करो। जैसे श, श में एक की मात्रा शे, है ना। अब देखो यहाँ पे काना है कि मात्रा है कि ए है कि ऊ है, ये आपको ध्यान में रखना है। श में एक की मात्रा शे, न में ई की मात्रा नी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, न में ई की मात्रा नी, ठीक है। उसके बाद में प, प में आ की मात्रा पा, मतलब प में काना पा, श में काना शा, श में ई की मात्रा शी, है ना। श में दूसरी ई, श ला दूसरी, श ला श ई शी, श ला उ शु, श ला ए शे, ण, ण ला काना णा, ण ला मात्रा, पहली मात्रा नहीं दूसरी मात्रा, ण ला दूसरी मात्रा णी, ण ला उकार दूसरा उकार णु, ण ला पै एक मात्रा णे, प, प ला काना पा, प ला दूसरी मात्रा पी, प ला दूसरा उ पू, प ला एक मात्रा पे, असं ध ला काना धा, ध ला दूसरी मात्रा ई ची धी, धला दूसरा उकार उकार धू, धला एक मात्रा धे, ऐसा इसको पढ़ने का है। आप उसको पढ़ेंगे बोलेंगे, खाली अक्षरांना जोड़लेली मात्रा किंवा चिन्हे गिरवा आणि वाचा। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कि ये जो आपको मात्राएं दी है ना, जैसे प में ये मात्रा लगी है, दूसरे प में ये वाली मात्रा लगी है, फिर ये वाली मात्रा लगी, फिर ये मात्रा लगी है ना, फिर उसके बाद में ये वाली मात्रा यहाँ लगी, ये वाली कौन सी मात्रा है, ये है। अब यहाँ पे देखो ये वाली मात्रा को देखेंगे हम, म में भी फिर से एक की मात्रा, म में यहाँ पे आ की मात्रा, स में भी यहाँ पे आ की मात्रा, इस तरीके से लगी हुई। तो इनको आपको मात्राओं को पढ़ना है। प में कौन सी मात्रा है, ए, दूसरे प में ई, दूसरे तीसरे प में ऊ, फिर स में कौन सी मात्रा है, ए, स में कौन सी मात्रा है, ऊ, स में दूसरी ई, स में, स म में आ की मात्रा और स में आ की मात्रा, तो ये हो गया सा। इस तरीके से पढ़ना है। चित्र पहाड़ी नावे वाचा, अब आपको नीचे के चित्र देखना है और फिर उसके बाद में नाम पढ़ना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बड़े होशियार हो, आपको सब चित्र पता होते। ये चित्र काहे का है बच्चों, ये है लहसुन, है ना, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्लिक। उसके बाद में ये क्या है, पाल यानी छिपकली, लिजर्ड, है ना। फणस, फणस इसको हम क्या बोलते हैं, फणस और भी इसको कुछ बोला जाता है ना, तो ये हो गया हमारा फणस। इसको हम और क्या बोलते हैं, कटहल, कटहल बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में साड़ी, मम्मी पहनती है ना, मम्मी पहनती है, दादी पहनती है, नानी पहनती है, तो साड़ी। पेन, ये देखो जिससे हम लिखते हैं, ये पेन। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, पालक की सब्जी, पालक। ये है पाए, पाए यानी पैर। ये है कप, ये है पीस, पीस यानी बर्ड के पंख, ठीक है, पीस यानी पंख। और ये है सांप, तो मराठी में सांप के ऊपर बिंदी नहीं आती और हिंदी में बिंदी आती है, तो वो हो जाता है सांप और ये हो जाता है सांप। और ये जो है ना, ये पाल, तो पाल यानी क्या होता है, छिपकली, है ना। इस तरीके से आपको, ये है पहला वाला लहसुन यानी लहसुन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एका वाचा। अब ये शब्द ना आपको बच्चों पढ़ना है कैसे, कड़ कड़ कड़कड़, धड़ धड़ धड़धड़, फण 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 फण, शा श श आ शा ल शाल,
अला काना आ, प लला काना ला आपला, ए क कला दूसरी मात्रा की ए की, क कला दूसरी मात्रा की ड कीड, अला काना आ, प लला दूसरी मात्रा ली आपली, माझ्यासोबत बोला हां तुम्ही पण, अला काना आ, प लला मात्रा एक मात्रा ले आपले, लला कानाला, लला एक मात्रा ले लाले, लाल लाले लाल, कला एक मात्रा के स केस, तला बरोबर एक मात्रा ल तेल, पला एक मात्रा लला खाना पेला, फला एक मात्रा फे आणि स, शला एक मात्रा शे आणि को, आणि नला एक मात्रा आणि शिकणे, बरोबर। आता बघूया, चित्रे पहा, समजून घ्या आणि नावे वाचा। आता चित्रे बघायची, आता बघा इथे किती ससा दिसतो, एकच दिसतो नाही का, इथे किती दिसत आहेत, दोन। इथे मासा किती दिसतो, एकच आहे, इथे मासे किती आहेत, तीन। मग बघा, एक असला ना, एकच असला की तो असतो ससा, पण एकापेक्षा जास्त असले ना की आपण म्हणतो ससे। जसे बघा, तुम्ही एक मूल असलं आईबाबांना तर म्हणतात आम्हाला एक मूल आहे, है ना, पण दोन असले तर काय म्हणतात, आम्हाला दोन मुले आहेत, है ना। तसं मग इथे बघा, मासा आहे, एक आहे तो म्हणाले मासा, एकापेक्षा जास्त दोन असू दे, तीन असू दे, चार असू दे, किती पण असू दे, एकापेक्षा जास्त किती जरी असले तर त्याला मग म्हणणार मासे। तसे ससे मग एकापेक्षा जास्त किती पण असू दे तर मग ते होणार ससे। तो बच्चो यहाँ पे ससा याने एक, और एक से ज़्यादा चाहे जितने भी खरगोश होंगे उनको बोलेंगे ससे, चाहे वो दो हो, चाहे वो दस हो, चाहे वो सो हो। अब देखो मासा यानी फिश, तो एक है इसलिए मासा बोले, लेकिन एक से ज़्यादा चाहे जितनी भी हो उनको हम मासे बोलेंगे, यानी ये बहुवचन, एक वचन बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल, ऐसा हो गया। आगे देखिए आप, खालील शब्द उलट सुलट वाचा, यानी नीचे दिए हुए शब्दों को उल्टा भी पढ़ो और सीधा भी पढ़ो। अब देखो क्या दिया है, डला मा डला काना डा, ल आणि पुनः डला काना डा, म्हणजे डालडा। अब हम इसको अगर ऐसा पढ़े ना, डालडा, अब इसको ऐसा पढ़ो इधर से, ये वाले को पहले पढ़ो डा ल डा। अब आपको मजा समझ में आई क्या, इधर से पढ़ेंगे तो भी डालडा और उधर से पढ़ेंगे तो भी डालडा। अब ऐसे देखो, कड़क पढ़ेंगे ना, इधर से पढ़ो कड़क, उधर से भी पढ़ेंगे तो कड़क। नयन है न य न, अब इधर से भी पढ़ो तो न य न, ये न म न, अब इधर से भी पढ़ेंगे तो न म न, उल्टा सुलटा एक समान, ऐसा है ये। पहा गिरवा लिहा वाचा, अब आपको बच्चों ये सब है ना, नीचे जो दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ लिखना है। गिरवा मतलब इनके ऊपर पहले हाथ घुमाना है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उस टेक्स्ट बुक में इनके ऊपर हाथ घुमाओ और फिर ऐसे कैसे शब्द, सॉरी ऐसे कैसे अक्षर लिखो। अब देखो, ऊ ये क्या है, ऊ दूसरा ऊ, श शा शी शु शे, प पा पी पू पे, फ फा फी फू फे। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये देखो ण है ना, ण णा णी णू ने, इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, वरील अक्षराने शुरुआत किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द लिहा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जैसे शेतकरी, पाणी, नाणी, धान्य, है ना, वो सब। अब यहाँ पे देखो आप, पहा सांगा, पाणी कशासाठी, यानी देखो और बोलो बताओ, पाणी किसके लिए, काय के लिए जरूरी है, तो पाणी जपून वापरा, यहाँ पे लिखा है देखो, ये पाणी जपून वापरा, यानी पाणी को ध्यान से यूज करो, उसको जो है फालतू मत बहाओ, ऐसा। यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है, तो खाना बनाने के लिए हम पाणी का यूज करते हैं। आई काय करते, जेवण बनवते, जेवणासाठी आई काय करते, भात बनवायला, भाजी शिजवायला, पीठ मळायला आई काय करते, पाणी वापरते। पुन्हा बघा इथे, कोण कपडे धुतंय, बाबा कपडे धुतायत, कोणाकोणाचे बाबा कपडे धुतात सांगा बघू, कोणाचेच नाही, नाही का।
पण इथे बघा किती छान दाखवले की नाही, बाबा कपडे धुत आहेत बाथरूममध्ये, मग कपडे धुवायला पण आपल्याला पाणी लागतं नाही का, कपडे धुणे के लिए भी हमें पाणी लागतं आहे. किस किस के पापा कपडे धुते बताओ तू जरा मुझे, कोई है क्या, कोई नहीं धोता है ना. हाँ, जब लड़के हॉस्टल में रहते तब वो अपने कपड़े धोते, तो हम ये समझेंगे कि ये हॉस्टल का चित्र है ना. अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये लड़की क्या कर रही है, बेसिन में हाथ धो रही है, तो हाथ धोने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं बच्चों. तो हाथ धुवायला पण आपल्याला पाण्याची गरज असते, पुन्हा आंघोळीला सुद्धा. हे बघा इथे, हे बघा काय, हा काय करतो आहे मुलगा, आंघोळ करतो आहे. मग आंघोळीला आम्हाला पाण्याची गरज असते. इथे बघा पिण्यासाठी आपण पाणी वापरतो नाही का, पिण्यासाठी आपल्याला पाण्याची गरज असते. पाणी नाही प्यायलं तर काय होणार, अरे बाबा पाणी तर पहिलेच पाहिजे नाही का. मग त्याच्यानंतर हे बघा शेतामध्ये धान्य पिकायला आम्हाला खायला तुम्हाला भात चपाती भाज्या हव्यात की नाही, सगळं खायला लागतं ना, फ्रूट्स वगैरे, ते सगळं कुठं ना येतो, शेतात ना येतो. मग शेताला पाण्याची गरज आहे की नाही, बरोबर ना. हां, मग बघा जेवण बनवायला, कपडे धुवायला, हात धुवायला, आंघोळीला, प्यायला आणि शेतामध्ये आपल्याला पाण्याची गरज असते. मग आपण आपल्याला असा प्रश्न विचारला की आपण पाणी कुठे कुठे वापरतो, तर प्यायला, कपडे धुवायला, हात धुवायला, आंघोळीला, स्वयंपाक बनवायला आणि शेतात, असं लिहायचं. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूया. आता इथे तुमचा हा अध्याय संपला, पाऊस पाणी. तर देखिए अब ये पेरेंट्स देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो या टीचर देख रहे हो, आप लोग को ये वीडियो खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसमें बच्चों को सबसे बड़ी बात है पानी का महत्व बताना है उनको. तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे अभी देखी, ये सब पानी का महत्व बताने वाली चीज़ें हैं. अगर ये पानी नहीं होगा तो ना तो खेतों में अनाज उगेगा ना हम खा पाएंगे. ये चीज़ें बच्चों को समझाना है. जब यहाँ पे पानी मिलेगा तभी ये सारी चीज़ें जो है ये पकेंगी, और ये जब होंगी तभी हम ये सब भी कर पाएंगे, खाएंगे तभी तो जिएंगे, पानी पिएंगे तभी तो हम जिएंगे और ये सब कर पाएंगे. इसके अलावा बच्चों को बारिश, बारिश में कैसे प्रकार, धीरे धीरे बारिश गिरती है तो टप टप कहा जाता है, जोर से गिरती है तो धो धो बोलते हैं. बारिश आने से कहाँ कहाँ पानी इकट्ठा होता है वो हमें बच्चों को बताना है, और फिर बारिश आने से कैसे चारों तरफ हरियाली छा जाती है उस हरियाली का वर्णन हमें बच्चों के सामने करना है कि देखो बच्चों आपके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी थी तो गर्मियों में कैसा आप धूप में बाहर निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही बारिश आई देखा आपने, जब आपने गर्मियों में देखा होगा सब दूर सूखा सूखा दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही बारिश आई सब हरा हरा दिखने लगा, पेड़ पौधे जो गंदे गंदे हो गए थे धूल से वो सब अब साफ सुथरे हो जाते हैं ना. बारिश क्या करती है, पूरे पेड़ पौधों को धो के साफ सुथरा कर देती है. और उसी तरह से आमचा वर्ग हमने पढ़ाया था, अपना वर्ग हमको कैसे हमारी कक्षा साफ रखना चाहिए, तो देखो प्रकृति भी अपने आप को साफ सुथरा करती है साल में एक बार. तो इसीलिए हमें भी, हम जहाँ रहते हैं उस जगह को, जहाँ पढ़ते हैं उस क्लासरूम को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए. तो ये सारी बातें हम इससे बच्चों को सिखा सकते हैं. तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइएगा ज़रूर, और मिलती हूँ आपसे अगला कोई अच्छा सा वीडियो लेके. लेकिन एक बात फिर भी आपसे कहूँगी कि थम्स अप तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, ऐसे बच्चे जिनको जो तीसरी में है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए. ये मेरा स्लोगन है कि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ये मैंने आजमाया हुआ है, और इस बात से मुझे पता है कि जब मिल बांट के पढ़ा जाता है तो ज्ञान में इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है. अकेले पढ़ने से कुछ नहीं कर पाते हम ज़्यादा, लेकिन जब इकट्ठे बैठ के जब पढ़ते हैं ना तो इतने सारे विचार, और उनके ऊपर जो है विचारों का आदान प्रदान, उनके ऊपर बातें, बहुत अच्छा लगता है. तो वो सब चीज़ें आप भी बच्चों में डालने की कोशिश कीजिए. जब हम पेरेंट्स लोग भी होते हैं, या बहुत से मैंने बच्चों को देखा है कि अरे मेरे नोट्स कंप्लीट है तो मैं क्यों दूँ, या मैंने अपने अलग से तैयार किए, या मैंने अलग से क्लास लगाई है तो मैं अपने नोट्स क्यों दूँ. नहीं, आप बांटिए ना, आप बांटोगे ना तो सामने वाले के विचार उस पर मालूम पड़ेंगे, क्या हुआ जो आपने आपके नोट्स उसको दे दिए,
दिमाग तो अपना अपना है, नोट्स देने का जरूरी नहीं है कि वो वैसा का वैसा लिखे, है ना। वो उससे सुंदर भी लिख सकता है या उससे ख़राब भी लिख सकता है। तो ये बच्चों, ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो डोंट थिंक कि इफ़ यू विल गिव योर ऑल नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग टू अदर्स तो दे विल ग्रो ओनली एंड आप लोग जो है ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा कभी भी मत सोचो बच्चों, आप लोग मिल बांट के पढ़ना सीखो, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते बच्चों, बाय।